हेलो बच्चों, नमस्कार। चलिए, आज 7.2 में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन छुड़वाए थे और मैंने कहा था कि ये बच्चों करके देखना, आप ट्राई करना। तो चलिए ट्राई करते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 34, ये ट्राई करते हैं। ठीक है, अब जैसे √10x और ये sin x cos x ये दिया हुआ है बच्चों आपको, और आपसे बोला गया कि बच्चों आपसे बोला गया कि इसे सॉल्व कीजिए। तो भाई मुझे पता है ना साइन का टेन बनेगा ना कॉस का टेन बनेगा, डेरिवेटिव कैसे बन सकता है? क्योंकि इंटीग्रेशन करना है तो उससे पहले डेरिवेटिव बनाना पड़ेगा। तो मुझे काम करना है, एक सिंपल सा काम करना है। क्या काम करना है? ये हो गया टेन एक्स, ये हो गया साइन एक्स। अब भाई टेन एक्स का रिलेशन सेक स्क्वायर एक्स से होता है, तो ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। इस कॉस एक्स को कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, कॉस एक्स से डिवाइड कर दो, कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला ना। क्यों? क्योंकि जितने से मल्टीप्लाई किया उतने से ही डिवाइड कर दिया। साइन एक्स और क्या बनेगा भाई? देखो ये वाला कॉस एक्स इस देखो ये वाला कॉस एक्स इस साइन एक्स के नीचे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? टेन एक्स। और कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, ये पावर है हाफ, ये पावर है फुल। इससे ये कट जाएगा तो कितनी पावर बचेगी भाई? हाफ पावर बचेगी। कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और ये क्या बन गया? अंडर रूट टेन एक्स। ठीक है, अब लेट करो क्या टेन एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। सही बात है, डी टी अपॉन डी एक्स उधर आ जाएगा, ये चीज आ गई। तो ये बनेगा वन अपॉन अंडर रूट, ये क्या बन जाएगा? टी डी टी। भाई इसको उठा के ऊपर लेकर आओ तो पावर बनेगा टी की पावर -1/2 dt। और भाई आप करोगे इंटीग्रेशन तो -1/2 + 1, -1/2 + 1 + c। हाँ जी, तो टी की पावर -1/2 और ये -1/2 + c ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा तो भाई पलट जाएगा, माइनस का 2/√t + c। अब टी की जो वैल्यू है बच्चों वो पुट कर देना, आंसर आ जाएगा -2√10x + c। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर बच्चों 35, 35 वन प्लस में लॉग एक्स का स्क्वायर अपॉन में एक्स डी एक्स। तो लेट करेंगे बच्चों वन प्लस लॉग एक्स को टी के बराबर और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वन का 0 लॉग एक्स का 1/x, डी टी का डी डी टी का डी टी अपॉन में डी एक्स, डी एक्स इधर आ जाएगा, ये बन गया 1/x dx, 1/x dx क्या बन गया भाई? ये पूरा टी टी का स्क्वायर डी टी, और ये बन जाएगा टी की पावर 3 + 3/c टी, 1 प्लस में लॉग एक्स की पावर 3/3 + c। अब आता है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में है बच्चों x + 1 x + log x अपॉन में x² dx। ठीक है, ये दिया हुआ, बहुत सिंपल है बच्चों। कैसे? अरे देखो, आप लेट करो x + log x को t के बराबर और डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का बनेगा 1, log x का बनेगा 1/x, ये बनेगा dt टी अपॉन में dx। और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस कर दो, x + 1/x dt/dx। dx यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर आके क्या करेगा? मल्टीप्लाई, और ये आ गया डी टी। अब क्या देखो, x + 1/x dx किसके बराबर आ गया? डी टी के। किसके बराबर आ गया? डी टी के। तो ये बन गया भाई x + 1/x dx, तो बन गया डी टी, और x + log x² ये क्या है? टी। तो यानी टी का स्क्वायर डी टी। अब इंटीग्रेशन सबसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। हाँ जी, अब देखो x³ sin टेन इनवर्स एक्स की पावर 4/1 + x² 8 dx। ये बच्चों ठीक है, अब आप बहुत अच्छे से जानते हो कि टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 + 1 x² यही होता है ना, यही होता है डेरिवेटिव, बस बात खत्म। तो यहाँ पे लेट करो, क्या लेट करोगे? टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 को टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बनेगा 1/1 + x² dt/dx। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये तो डेरिवेटिव टेन का हुआ, अब एक्स की फोर का भी तो करो, पावर आ गया 1 कम, dt/dx।
ये बनेगा 4x की क्यूब अपॉन 1 प्लस में x की बार 4 टू जा 8 डी टी अपॉन डी एक्स, उठा के वहां ले जाओ एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की बार 8 डी एक्स डी टी। 4 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है जी, तो देखो एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स की पावर 8 डी एक्स क्या बन गया, 1 बाय 4, बाहर करो साइन टेन इनवर्स की पावर एक्स की पावर 4 को टी का माना डी टी, इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों। अब चलिए फटाफट कीजिए, इसी के साथ आपका 7.2 खत्म, शुरू करते हैं 7.3। चलो ये कर लो, फिर 7.3 शुरू करते हैं बच्चों। ये नोट कर लीजिए सभी बच्चे, चलिए ठीक है, ये आपने वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा। अब 7.3 के लिए पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको मैं याद करवा रहा हूं, ताकि आपको वो फॉर्मूले याद रहे और आप भूले ना। फॉर्मूले बच्चों 11th के फॉर्मूले हैं, एक बार दोबारा रिवाइज करा रहा हूं, फटाफट देख लीजिए। साइन ए प्लस बी बराबर क्या होगा बच्चों, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, फिर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, फिर साइन ए सॉरी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा कॉस ए कॉस बी, अगर माइनस है तो प्लस, साइन ए साइन बी। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद टेन वाले की करने की जरूरत नहीं है, अब ये वाला है टू साइन ए कॉस बी, ए एंगल बड़ा है बी से, यानी ए बड़ा होना चाहिए बी से, तब ये केस बनेगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और अगर है टू कॉस ए, यानी कॉस ए एंगल बड़ा है और साइन का एंगल छोटा है, तो आएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, अब है टू साइन सॉरी टू कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, तो बन जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। लेकिन अगर है माइनस का टू साइन ए साइन बी, तो होगा कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। लेकिन अगर यहां से माइनस उठा के वहां पे भेज दिया जाए, तो माइनस वाला पहले हो जाएगा और प्लस वाला बाद में। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ेंगे बच्चों फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे कॉस टू थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर कॉस टू थीटा बराबर होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। लेकिन कभी कभी यहां से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको बोल दिया जाएगा, तो कैसे निकालोगे भाई, माइनस का वन इधर आके प्लस हो जाएगा कॉस टू थीटा प्लस वन, ये बनेगा टू कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन हमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो टू यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड। इसी तरह कॉस टू थीटा बराबर वन माइनस में टू साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, और हो सकता है आपसे कभी कभी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मांग ले, तो क्या होगा, ये प्लस का इधर आके माइनस और ये प्लस का उधर जाके, ये माइनस का इधर जाके प्लस और ये प्लस का इधर जाके माइनस, यानी टू साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस टू थीटा। ये टू यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हुई वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन में टू। ठीक है, ये हुई फॉर ठीक। और साइन टू थीटा का फॉर्मूला आप सभी को पता है कि साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नहीं। अब क्या करना है, अब ये हो गया हमारा सिंपल सा था। ठीक है,
ठीक है, इतने फॉर्मूले। हाँ ये और देख लो, एक और देख लो यार, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin θ - 4 sin³θ। अब मान लो आपसे sin³θ की वैल्यू पूछ रही है, तो कैसे करोगे? इसको उठा के इधर ले आओ, 4 sin³θ उठा के इधर ले आओ, 3 sin θ अपॉन में माइनस में sin³θ, प्लस किसी तरह के माइनस, ये 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, कोई दिक्कत? इसी तरीके से cos³θ की भी बात कर लो, ये होता है 4 cos³θ - 3 cos θ, उठा के इधर ले आओ, cos³θ + 3 cos θ, ये 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड, ये आ गया cos³θ, और बच्चों हमारे सामने ये रह गया। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, यही फॉर्मूले पढ़ने थे हमें, ये 11th के फॉर्मूले हैं जिसको पढ़ना बच्चों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, करो। चलिए शुरू करें। हाँ जी, एक फॉर्मूला और करवा देता हूं, ये देख लो, sin A + sin B का फॉर्मूला होता है 2 sin A + B / 2 cos A - B / 2। ये और कर लो, sin A - sin B 2 cos, अगर दोनों साइन के बीच में माइनस है तो कॉस पहले आ जाएगा, sin A - B / 2, और cos A + cos B है तो आएगा 2 cos, दोनों में फिर cos ही रहेगा, A - B / 2, और अगर cos A - cos B है तो माइनस का 2 sin A + B / 2 sin A - B / 2 रहेगा। ये 4 फॉर्मूले और उतार लो, फिर आपका ये फॉर्मूलों का सेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के जल्दी नोट करो इसको। ठीक है, हो गया ये क्लियर? चलो ये सारे फॉर्मूले आप लोगों ने उतार लिए होंगे, अब एक एक करके मैं जरा दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं। और भी क्वेश्चन है, अब कुछ फॉर्मूले और देखो। ये देखो, एक फॉर्मूला होता है tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका होता है log sec x। ये डायरेक्ट फॉर्मूला, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन के रूप में पूछ लेता है कि बताओ कि इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स कैसे है लॉग सेक एक्स। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, कुछ नहीं करना है, यहां पे आ जाओ, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। क्या मैं टेन को sin x / cos x लिख सकता हूं कि नहीं? जी बिल्कुल, लेट कर लो cos x को t के बराबर,
और कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, इसका डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स, और टी का डी टी अपॉन डी एक्स उठा के वहां ले जाओ, साइन एक्स डी एक्स माइनस उठा के इधर माइनस का डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर आ गया, माइनस का डी टी। चलो भाई माइनस का डी टी माइनस वन अपॉन में क्या जाएगा भाई, टी डी टी, तो माइनस ये क्या बन जाएगा लॉग टी प्लस सी। हाँ जी हाँ जी, टी कितना था कॉस एक्स प्लस सी। बच्चों एक बात याद रखना, लॉग जो होता है ना, लॉग जो होता है वो ए की पावर बी होता है, बी लॉग ए, हाँ कि ना। तो भाई ये जो माइनस है, ये वाला माइनस, क्या अगर मैं इसको माइनस वन लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं भाई, ये आपको बी लॉग ए जैसा दिख रहा है, बी लॉग ए, तो ये ऊपर चला जाएगा लॉग कॉस एक्स की पावर माइनस वन सी। हाँ जी माइनस की चीज नीचे आएगी तो वो क्या बन जाएगा, वन अपॉन में, जल्दी बताओ, यानी कि सीधी सी बात है कॉस का इनवर्स यानी वन अपॉन में कॉस एक्स बन जाएगा प्लस सी, और वन अपॉन में कॉस एक्स क्या होता है बच्चों, सेक एक्स होता है प्लस सी। क्या यही प्रूफ करना था हमें, करना था यही प्रूफ, हो गया ठीक है, ये हो गया प्रूफ। एक फॉर्मूला और देखो, फॉर्मूला और देखो, लगे हाथ, फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स होता है लॉग साइन एक्स प्लस सी। ये एक फॉर्मूला और है, ये आपको खुद प्रूफ करना है भाई ठीक है। ये सेकंड था, अब थर्ड, थर्ड है सेक एक्स का, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो आपको पता है लेकिन खाली सेक एक्स का नहीं पता, तो खाली सेक एक्स का होता है लॉग सेक एक्स, क्या है लॉग सेक एक्स प्लस में टेन एक्स। अब जरा ध्यान से सुनना बच्चों, आंसर में sec x plus tan x चाहिए, लेकिन क्या यहाँ पे कोई भी tan x वाला कोई भी रूल कोई भी फॉर्मूला बन रहा है, जी बिल्कुल नहीं बन रहा, और जब बिल्कुल नहीं बन रहा तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे sec x dx लेंगे और इसे क्या करो, जो आपको आंसर में चाहिए ना उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, कोई दिक्कत, उसी से क्या करेंगे, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। अब क्या करो, अब बहुत सिंपल सा काम है, इसको लो नीचे वाले को लो, लेट करो sec x plus tan x को t के बराबर ठीक है, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो sec x क्या हो जाएगा, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, और tan x का डेरिवेटिव होता है sec square x, और ये होगा dt upon में dx, दोनों में से sec x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा tan x plus में sec x, और dx उठ के यहां आ जाएगा dt, तो देखो sec x tan x plus sec x dx किसके बराबर आ गया, dt, ये पूरा क्या है t dt, आंसर आएगा log t plus c, आंसर आएगा log और t की जगह पे आएगा sec x plus tan x plus c, कोई दिक्कत ठीक है। एक फॉर्मूला और होता है, चौथा फॉर्मूला ठीक है, तीसरा फॉर्मूला ये रहा था, दूसरा फॉर्मूला ये था, और पहला फॉर्मूला ये था, क्योंकि कभी कभी ये प्रूफ करने के लिए आते हैं इसलिए करवा रहा हूं, और चौथा फॉर्मूला था ठीक है कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन, तो क्या होगा लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये करना। अब इस वाले में भी ऐसे ही करोगे, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से क्या करोगे मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड ठीक है, करो। चलिए ठीक है, तो आज यहीं रोक रहा हूँ ठीक है, कल 7.3 को शुरू करेंगे और प्रॉपर तरीके से नेक्स्ट क्लास में 7.3 में ख़त्म भी करवा सकता हूँ ठीक है, तो रेडी होके आइएगा, और ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बाद में ये नहीं कि सर हमें याद नहीं था, प्रॉपर तरीके से याद करके आइएगा फॉर्मूले सारे, और ये प्रैक्टिस करके आइएगा, जैसे मैंने आपके भरोसे ये छोड़ा है, इसको कंप्लीट करना है,
आपके भरोसे मैंने ये छोड़ा है, इसको कंप्लीट करना है। इसमें जैसे आपने sec x plus tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, इस वाले में भी cos x minus cot x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं।